हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नैन्सी मैम मैथ्स क्लास के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग कैसे हो आज? अच्छे हो? नैन्सी मैम के साथ रह करके अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, आपको उनकी पढ़ाई भी अच्छी लग रही है। तो आप लोग ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए और अच्छी तरह से नैन्सी मैम के साथ क्लास करते रहिए, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज आप अपनी बुक निकालो, ये अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स भी है, ठीक है? दिख रहा है बुक? तो इसको आप लोग ओपन करो। और ये क्या है? कलर एंड शेप्स। क्या है? शेप्स। ये इसके पेज नंबर आपके लास्ट में यहाँ पे कॉर्नर में दिए हैं, 5 to 52, ठीक है? शेप्स का मतलब होता है बच्चों आकार, ठीक है? कौन सा यहाँ पर मैथ्स में कौन कौन सा आकार होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका डेट लगाते हैं, CW 04/02/2021, ठीक है बच्चों? तो हम लोग आज शेप्स मतलब कि आकार, कलर द शेप्स यानी कि उसको कलर करना है। लेकिन यहाँ पर बच्चों कलर के साथ साथ आपको शेप्स को जानना है कि कौन सा आकार कैसे दिखते हैं, ठीक है? उसमें क्या है नहीं है उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो जाना शुरू करते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर ये पिक्चर है, ये इसको कहा जाता है, देख रहे हो ऐसे राउंड टाइप का है, इसको कहा जाता है सर्कल। क्या बोला जाता है? सर्कल। देखो यहाँ पे सर्कल की स्पेलिंग भी है, CIRCLE, सर्कल। मेरे साथ साथ बोलो, CIRCLE, सर्कल। क्या है? सर्कल। सर्कल का क्या होते हैं? कोई साइड्स नहीं होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारे क्या हैं? इसमें कोई सर्कल है ही, इसमें कोई भी आपके एंगल नहीं है, ठीक है? कोई भी इसमें साइड्स नहीं है, ठीक है? नो साइड्स, देयर आर नो साइड्स, यानी कि पूरे राउंड है ये। ये क्या है? पूरे राउंड है। जैसे मम्मी की रोटी क्या होती है? गोल। आप LKG में एक पोयम भी पढ़े हो, मम्मी की रोटी गोल, पापा का चश्मा गोल, ठीक है? उसके बाद पैसा क्या है? ये देखो, ये एक पैसा है, 2 rupees क्वाइन है। तो ये क्वाइन भी क्या है? गोल है, देख रहे हो? सर्कल। तो ये क्या है? इस तरह से जो भी राउंड शेप के होंगे, जैसे रोटी, ठीक है, दादाजी का चश्मा, पापा का पैसा, ठीक है, इवन चांद जो होते हैं ना, मून, वो भी पूरे गोल होते हैं ना। तो चंदा मामा क्या है? गोल। तो इस तरह से क्या है? वो मम्मी की चूड़ी गोल। तो वो सारे जो भी राउंड शेप के होते हैं उसको कहा जाता है सर्कल। तो सर्कल आप कैसे बना सकते हो? ये आपके जैसे बॉटल्स है ना, तो बॉटल को आप ऐसे बैठाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा? सर्कल, ठीक है? ये वाले आपके थर्मस के जो होते हैं ना बॉटल्स, आप उससे भी उसका शेप बना सकते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो इसको बोला जाता है सर्कल। अब हम लोग नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये है रेक्टेंगल। क्या होते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है ये जो आमने सामने होते हैं ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट मतलब आपके सामने में कौन बैठा है और इनके सामने में कौन बैठा है, तो ये दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है, और ये दोनों बराबर है, ठीक है? इसमें क्या है? जब ये अगर छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, ये बड़ा है तो ये भी बड़ी होगी। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। जैसे कि डस्टर, क्या होते हैं? डस्टर। या फिर आप स्कूल के बेंच देखे हो ना, आप स्कूल में आते जाते हो, बेंच देखे हो ना, वो है क्या? है रेक्टेंगल। आपके घर में दरवाजे लगे हुए हैं ना, डोर, वो क्या है? रेक्टेंगल। आपके घर में विंडो लगी हुई है, वो क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? जैसे आपके फोन, ये सपोज राइट एक फोन है, ठीक है? तो ये क्या देख रहे हो? यहां और यहां आपके छोटे हैं, देखो, जैसे ये और ये, ठीक है? तो ये छोटा है और ये चीज देखो कितना बड़ी है ना, ये बड़ी। तो ये क्या है? आपके रेक्टेंगल, यानी कि ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा, ठीक है? तो और ये जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी सामने वाली होगी। तो इसके क्या, इसको बोला जाता है जो इनके सामने में बैठा हुआ उसको कहते हैं अपोजिट। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो हम लोग रेक्टेंगल का स्पेलिंग पढ़ते हैं बच्चों, मेरे पीछे पीछे पढ़ो, RECT, RECT, TANGLE,
रेक्टैंग TANGLE, ठीक है, रेक्टैंगल, रेक्टैंगल का मतलब होता है आयत, ठीक है, रेक्टैंगल का मतलब क्या होता है आयत, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल का स्पेलिंग। तो आपने देख लिया रेक्टेंगल कैसे होता है, आमने सामने की भुजाएं इसको क्या कहते हैं, ये जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स यानी इनके जो उल्टे में बैठे हुए हैं इसको बोलते हैं आर इक्वल, यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, रेक्टेंगल। तो मेरे साथ साथ एक बार फिर से एक बार स्पेलिंग पढ़ो, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो, अब आप ये सोच रहे हो कि ये भी तो वही चीज है, पर नहीं, ये थोड़ा सा डिफर है। क्या है, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, यानी कि ये जितनी बड़ी होंगी उतनी ही बड़ी ये, उतनी ही बड़ी ये, उतनी ही बड़ी ये। जैसे ये टू नंबर है, यहां से यहां तक टू है, तो ये भी टू होंगे, ये भी टू होंगे, ये भी टू होंगे, ठीक है, चारों साइड्स क्या है इनके, इक्वल है, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ये जस्ट लाइक अ बॉक्स, आपको जो बॉक्स स्मॉल बॉक्स मिलती है ना, वो बॉक्स, तो वो है आपके क्या है, स्क्वायर, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर। स्क्वायर की स्पेलिंग मेरे साथ साथ पढ़िए आप, SQUARE, स्क्वायर, क्या है, SQUARE, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या हो गए आपके, ये जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ग, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग, और ये है स्क्वायर। तो स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। तो इनकी जो चारों भुजाएं होती हैं इसको बोलते हैं भुजाएं, साइड्स इंग्लिश में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, आपने देख लिया। अब क्या है, आपने ये देखा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या है आपके, ये आमने सामने की भुजाएं क्या थी, बराबर थी, और यहां आमने सामने, जैसे ये मान लो ये छह नंबर है, ये सिक्स नंबर है, तो ये जरूर थ्री नंबर होंगे, चाहे टू नंबर, यानी कि इससे कम ही होंगे। अगर ये थ्री नंबर है तो ये भी थ्री होंगे, ये सिक्स है तो ये भी सिक्स होंगे। आई बात समझ में, जस्ट उल्टा। और इसमें क्या है, सब इक्वल है, टू इधर है तो टू इधर रहेंगे, तो टू इधर भी रहेंगे, टू इधर भी रहेंगे, तो यहां से यहां तक की जो स्टिक है आपकी, जो लाइन है, उसको मान के चलो वो 2 सेंटीमीटर लंबी होंगी। तो जितना लंबी ये है उतने ही चारों तरफ के हैं। आई बात समझ में, इसीलिए जो चारों तरफ के इक्वल है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या है, रेक्टेंगल, इसमें अपोजिट, अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा वाला इक्वल है, यानी कि ये सिक्स है तो ये सिक्स होगा, ये थ्री है तो ये थ्री होगा, अगर ये टू है तो ये टू और ये टू होंगे, और ये वन और वन होंगे। आई बात समझ में, आई बात अच्छे से, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में बच्चों आपको कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये देखो, इसको कहते हैं ट्रायंगल, अभी आपके चिप्स भी आते हैं ट्रायंगल, मैड, ठीक है, आते हैं ना बिंगो, ट्रायंगल शेप के रहते हैं। तो ये क्या है, ट्रायंगल, ट्राई मतलब होता है तीन, ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब थ्री, तो वन, ये देखो ये लाइन खींचो, किनो, यहां से यहां तक वन लाइन, यहां से यहां टू लाइन, यहां से यहां थ्री लाइन, तो ये थ्री लाइन की बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। और ट्रायंगल है तो ये सब इक्वल है, ठीक है, जैसे ये मान लो आप थ्री मान के चले तो ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, यानी कि थ्री लाइन आपके क्या है, बराबर है, इक्वल है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रायंगल। तो अब बच्चों हम लोग ट्रायंगल की स्पेलिंग पढ़ना सीखते हैं, TRIANGLE, ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल, फिर भी एक बार मेरे साथ साथ पूछो, बोलो TRIANGLE, ट्रायंगल, दिखाई दे रहा बच्चों ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल की फोटो है। तो ये चार स्टेप्स आपको पढ़नी है, ठीक है, पढ़ लेनी है, आप इसको कलर भी कर लो, आज के डेट में है। अब ये देखो, ये सर्कल, छोटी वाली सर्कल बनी है, ये इसका कलर क्या है, रेड, कौन सी कलर है ये, रेड, तो आपको रेड कलर से इस सर्कल को करना है, बाहर नहीं जाने चाहिए, इसके अंदर में ही रहना है। अब ये क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का कलर क्या है, येल्लो, तो आपको रेक्टेंगल को येल्लो कलर से ही करनी है। ये क्या है, छोटी सी स्क्वायर बनी है, जो ऑल साइड साथ इक्वल है स्क्वायर, ये बड़ी वाली को आपको ग्रीन कलर से करनी है। लास्ट जो आपकी बनी हुई है ये क्या है, आपके
ब्लू, तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है इसको ब्लू कलर से ही कर रही है। आई बात समझ में बच्चों? तो बस ये पेज आपका क्या है आज का, क्या है आपका आज का क्लास वर्क है। क्या है बच्चों? क्लास वर्क। और अपने इसके बाद कॉपी हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो मैं ले आती हूँ अपनी कॉपी और हम लोग आज इसको कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये भी पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी में भी आपको आज की डेट लगानी है CW04022021। अब क्या है, सेब्स का स्पेलिंग लिखना है SHAPES, शेप्स। कौन कौन सा शेप्स पढ़ना है, तो सर्कल पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है और ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो यहां पर आप कॉपी ले लेना, एक कॉपी है, डेट लगा लियो। अब आपको चाहिए स्टेप्स, कैसे बनाओगे आप, तो मैंने आपको बताया था रोटी लेके तो बनाओगे नहीं, मम्मी की अगर चूड़ी होंगी चाहे इस तरह के कोई बॉटल होंगे आप उसको ऐसे करके रख देना। ठीक है, लिख रहा है कैसे मैं रखी हूं, रख करके इसको ऐसे करके ऊपर से प्रेस करना और प्रेस करने के बाद इसको अब आराम से पेंसिल इसमें ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर सा आपके क्या हो जाएंगे, सर्कल बन जाएंगे। इसको मूव नहीं करना है थोड़ा सा भी, अगर आप मूव करोगे तो ये अच्छे से सर्कल नहीं बनेंगे। बन गए सर्कल? अगर आपके पास कुछ नहीं है सर्कल के लिए, आपकी कटोरी है घर पर जो छोटे से स्मॉल कटोरी होती है वो, नहीं तो इस पैसे से भी काम चल जाएगा। ठीक है, इस पैसे को आप ऐसे बीच में एकदम पकड़ लेना, खूब कस के दबाना नहीं है, और ऐसे करके आपको क्या करना है, इसको धीरे से ऐसे करके आपको राउंड इसे बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके छोटू सा सर्कल बन जाएंगे। ये देखो बन गए ना बच्चों सर्कल, तो इस तरह से आपके सर्कल बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप पहले से ही मम्मी की चूड़ी ले लेंगे, चाहे आप कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड, उसमें भी आपके जो आप खेलते हो रानी क्वीन होती है ना, ठीक है, स्टैगर होते हैं उसमें, तो आप उस सबसे बहुत अच्छे से उससे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बिग वाला बड़ा वाला मैं बनाई हूं, इसीलिए छोटी वाली को मैं इरेज कर दे रही हूं। ठीक है, तो ये है आपके सर्कल के फोटो, तो सर्कल का फोटो आपको अच्छी तरह से बनानी है और अच्छी तरह से पेंसिल से बड़ी बड़ी लिखनी है सर्कल। क्या लिखनी है? सर्कल सी। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना है सर्कल की फोटो सी। इसको कर्सिव लेटर मत लिखो, सी आई आर सी एल ई, सर्कल। ठीक है, क्या है? सी आई आर सी एल ई, सर्कल। ठीक है बच्चों, इसको मैं कर्सिव लेटर में भी आपको लिख के दिखा दे रही हूं, सी आई आर सी एल ई, सर्कल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये है सर्कल की स्पेलिंग, ये फोटो देख लियो आप, दिख रहा है सर्कल। अब आपको बनाना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाना बेटा बहुत ही इजी है। क्या है बेटा? रेक्टेंगल बनाना बहुत ही इजी है। मान लो कि आप रेक्टेंगल बना रहे हो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ये देख रहे हो कॉर्नर वाली पॉइंट, एक पकड़ लो, मैंने यहां देख लिया, देख रहे हो। अब यहां से आप काउंट करो 1 नीचे तक, हो गए। अब करो यहां से 2, बस आपने कितना लिया यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2। ठीक है, ऐसे ही बहुत दूर पर आप बनाओ, यहां 1 हो गया 1, अब यहां पर 2, यानी कि ये और ये आपके बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां से लाइन पर ही आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्केल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्केल से बनाते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे से बनाओ। मैं लाइन बता दे रही हूं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट, यानी कि 1 2 3 पॉइंट यहां है, 1 2 3 पॉइंट यहां है। ठीक है, आपने ले लिया। अब यहां से यहां तक आप उसको मैच करा दो, मिला दो। ठीक है, स्लोली गो एंड मैच इट, डाउन साइड ऑल्सो स्लोली गो एंड मैच इट।
ओके अब आप देख रहे हो ये ब्यूटीफुल सा आपके क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया, बन गया रेक्टेंगल, दिख रहा है रेक्टेंगल की फोटो आपको, दिखा बच्चों, वेरी गुड। तो ये क्या है आप देख रहे हो, ये छोटी सी है और ये दोनों क्या है लंबी, जस्ट लाइक अ मोबाइल। ये देखो इधर इधर की छोटी है और सामने की ये दोनों बड़ी है, दिख रहा है ये और ये। तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है वो भी आपके क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की स्पेलिंग आप देखो, पहले मैं कैपिटल में लिखूंगी आर, ई मेरे साथ साथ बोलो आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। क्या बच्चों, रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। इसको मैं कर्सिव लेटर में भी लिख दे रही हूं, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। हो गया बच्चों, तो आपने दो आपने सीख लिया है, एक सर्कल और दूसरा रेक्टेंगल। दूसरे पेज में आपको सीखना है क्या है, स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे बनाना है आप देखो, ये वाले बॉक्स ले लो, यहां ले लो टू वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट एंड फोर पॉइंट, कितने लिए हैं फोर पॉइंट, तो इधर से भी फोर होना चाहिए, मैंने बताया था, इसको काउंट करो वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट एंड फोर पॉइंट। अब जितना नीचे बढ़ाओगे इधर भी उतनी बढ़ानी पड़ेगी, समझो फाइव पॉइंट और सिक्स पॉइंट मैंने ले लिया, तो ऊपर से भी आपको सिक्स पॉइंट गिननी पड़ेगी, वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट। हो गए, काउंट करो ऊपर से नीचे सिक्स पॉइंट और इस कॉर्नर को मिलाना है सिक्स पॉइंट, काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है। अब इधर से भी आपको सिक्स करनी है, वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट, ठीक है। अब जब यहां है तो इसी के सीधा में गिनो वन, इसको भी काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, हो गए। अब यहां से यहां को भी काउंट करना है जहां पेंसिल है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब स्लोली स्लोली इसको क्या करना है, मिला देना है आपस में, मिल गया। ठीक है, ऊपर से भी आपको मैच करना है स्लोली स्लोली, स्केल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको आपको लाइन भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैथ्स में बेटा बॉक्सेस बने हुए हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं ये भी स्क्वायर है, ये देखो कितने इक्वल में बने हुए हैं, ठीक है, एकदम बराबर में बनाना है, यानी कि ऑल साइड्स क्या है इसके, इक्वल है। ऑल साइड्स क्या है बच्चों, इक्वल है। यहां से भी आपने सिक्स लिया, ये भी सिक्स, ये भी सिक्स, ये भी सिक्स, दिख रहा है एकदम इक्वल बॉक्स, तो ये है आपके क्या, स्क्वायर। अब स्क्वायर की स्पेलिंग लिखिए बच्चों, आप लोग लिखो, चलो मेरे साथ साथ बोलो, एस क्यू यू ए आर ए, स्क्वायर। क्या है, एस क्यू यू एक साथ रहता है, एस क्यू यू स्क्वायर, ए आर ई आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। आई बात समझ में, अगर आपको छोटू से ही बनाना है तो ये वन ये वन ये वन ये वाला वन, यानी कि स्मॉल बॉक्सेस में भी स्क्वायर आपके बन गए, ठीक है, पेंसिल ड्रॉ करोगे तो, जैसे आपने पेंसिल से सर्कल बनाया था। अब इसको मैं इरेज कर दे रही हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ी सी स्क्वायर बना चुकी हूं, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं कर्सिव लेटर में भी आपको लिख के दिखा देती हूं, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, स्क्वायर बन गए। अब हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल के लिए स्केल की जरूरत पड़ती है, ये एक डॉट यहां बनाओ तो एक डॉट आपके क्या बनेंगे, थोड़े से टेढ़े में बनेंगे,
और एक बनेंगे इधर, ठीक है। इसको इसके साथ मैच करनी है, इसको इसके साथ मैच करनी है और इसको इसके साथ मैच करनी है, ठीक है। ये हो गया बच्चे आपके ट्रायंगल, क्या हो गए ट्रायंगल, 1 2 3 दिख रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, इसका नाम क्या है ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल, ठीक है। कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हो TRIANGLE ट्रायंगल, मेरे पीछे पीछे बोलो TRIANGLE ट्रायंगल। इसको मैंने कर्सिव लेटर में भी लिख दिया है TRIANGLE ट्रायंगल। तो बच्चों इस तरह से आपने 4 शेप्स पढ़ना सीख लिया है आज के डेट में। तो ये है बच्चों आपका क्लास वर्क, यानी कि बुक में भी है, बुक में सिर्फ कलर करना है। ये क्या है आपके सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। तो यही आपके क्या है बच्चों होमवर्क भी है, क्या है होमवर्क भी है। आप जितना बनाओगे उतना ही आप सीख सकते हो ये होमवर्क में 04/02/2021। ये क्या है आपके स्टेप्स, SHAPES, ये आएंगे जरूर। ये मैं पिक्चर दे दूंगी, कोई भी पिक्चर इन चारों में से, ठीक है, और उसके नाम को आपको लिखना है। तो जब तक आप नहीं सीखोगे आप नहीं बनाओगे। तो जो आपने आज क्लास में ड्रॉ किया है ना, आज कर रहे हो, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल, ये जो आपने बनाया है और इसके नाम लिखे हैं, इसकी अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और आपके जो बुक में है, ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से कलर कर लेनी है। मैंने बताया है आपको ये चारों शेप्स, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपको कलर करनी और इसको भी पढ़ना है। ये भी आपकी क्या है क्लास वर्क है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप अपने नैन्सी मैम के साथ मिलेंगे इसी क्लास के साथ, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।